नमस्ते दोस्त, मैं हूँ रघुनंदन दोगजा और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल आरवी कॉमर्स ट्यूटोरियल। दोस्तों, पिछले लेक्चर तक हमारा चल रहा था मेथड्स ऑफ मेजरिंग और नेशनल इनकम। हमने क्या क्या मेथड देख ली? हमने देख ली आउटपुट मेथड और इनकम मेथड देख ली। आज हम तीसरी और आखिरी मेथड देखने वाले हैं, जो है एक्सपेंडिचर मेथड और आउटले मेथड। अगर आपको याद आ रहा होगा तो सर्कुलर टैली या फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में हमने देखा था कि इकोनॉमी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड, दूसरा होता है फर्म। हाउस होल्ड के पास क्या होता है? तो हाउस होल्ड के पास होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो किसको देते हैं? फर्म्स को या बिजनेसेस को। अब वो फर्म्स बिजनेसेस क्या करती है? उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का बना के प्रोडक्ट बनाती है या तो फिर गुड्स बनाती है, सर्विसेज बनाती है। अब इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए ये जो फर्म्स या बिजनेसेस होते हैं, इनको रिवॉर्ड देते हैं। रिवॉर्ड किसको देते हैं? हाउस होल्ड को देते हैं। अभी हाउस होल्ड के पास इनकम आ गया, ठीक है। अभी प्रोडक्शन किसने किया? प्रोडक्शन किया फर्म ने। तो वो हमने आउटपुट मेथड में देख लिया कि प्रोडक्शन से हम लोग कैसे जीडीपी मेजर करेंगे। उसके बाद प्रोडक्शन के बाद फ्लो हुआ इनकम का, कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए क्या हुआ? इनकम दिया गया किसको? हाउस होल्ड को। तो वो हमने देख लिया इनकम मेथड में। अब क्या होता है, जो प्रोडक्ट या तो फिर जो सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए फर्म्स की ओर से, जो प्रोडक्ट या सर्विसेज क्या किए गए, प्रोड्यूस किए गए, वो प्रोडक्ट्स क्या करते हैं? हाउस होल्ड परचेस कर लेते हैं। हाउस होल्ड परचेस करते हैं मतलब हाउस होल्ड उसको क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर करते हैं, मतलब जिन जो उनके पास इनकम आई है उसका एक्सपेंस करके वो प्रोडक्ट या सर्विसेज वो खरीद लेते हैं, एक्सपेंस करते हैं। तो इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं? नेशनल इनकम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो अल्टीमेटली रिजल्ट हुआ एक्सपेंडिचर में। मतलब जो फर्म्स थे, जो हाउस होल्ड थे, उनके पास से इनकम आई, उन्होंने क्या किया? उस इनकम को एक्सपेंस किया और उनके पास अभी गुड्स एंड सर्विसेज आ गई। तो इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं? नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर से, मतलब एक इकोनॉमी में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है उससे क्या कर सकते हैं? नेशनल इनकम मेजर कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड का और एक नाम है दोस्तों, आउटले मेथड। आउटले मतलब आउटले का ही सिमिलर नेम है एक्सपेंडिचर। अभी एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करते थे? एक्सपेंडिचर डन और इनकर्ड बाय सोसाइटी ऑल टुगेदर इज एडेड। मैंने आपको क्या बोला कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो अल्टीमेटली रिजल्ट करता है एक्सपेंडिचर में। अब अल्टीमेटली अगर एक्सपेंडिचर में रिजल्ट कर रहा है, तो हम अगर सोसाइटी का, पूरे सोसाइटी का, पूरे नेशन का अगर एक्सपेंडिचर क्लब कर दे, मतलब एक्सपेंडिचर एडअप कर दे, तो भी हमें क्या मिल सकता है? नेशनल इनकम मिल सकता है। तो उसमें सिंपली हम क्या करते हैं कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द नेशन इज ऑल टुगेदर एडेड। अब एक्सपेंडिचर कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक हाउस होल्ड या तो फिर एक फर्म कौन कौन से प्रकार के एक्सपेंडिचर करती है? तो एक्सपेंडिचर अगर हम गुड्स को देखें, गुड्स पे स्पेसिफिकली गुड्स पे देखें, तो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या करती है एक इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपेंडिचर करती है। अब कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं कि जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में लगते हैं, और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं कि ऐसे गुड्स, मतलब कोई प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, कोई बिल्डिंग होती है, कोई कैपिटल असेट है जिससे हम दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो गुड्स दो प्रकार के हो सकते हैं, मतलब मशीनरी की भी डिमांड हो सकती है और वो मशीनरी से निकला हुआ प्रोडक्ट जो है उसकी भी डिमांड हो सकती है। वो जो प्रोडक्ट है उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स, और जो प्लांट एंड मशीनरी है उसे हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। अब इस पे कौन कौन एक्सपेंडिचर करता है? तो कंज्यूमर गुड्स पे इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर करता है। कंज्यूमर गुड्स पे इंडिविजुअल कैसे एक्सपेंडिचर करता है? हम सब इंडिविजुअल से, हाउस होल्ड, हम क्या करते हैं कि जो भी प्रोडक्शन बनाया जाता है फर्म के द्वारा उसे क्या करते हैं? परचेस करते हैं। तो उससे हमारा एक्सपेंडिचर होता है। अब फर्म्स क्या करती है? फर्म्स अपने इधर नई प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग इंस्टॉल करती है, उससे वो क्या करती है? कैपिटल गुड्स पे एक्सपेंडिचर करती है। तो वो एक्सपेंडिचर भी हमें लेना है। अब गवर्नमेंट कौन कौन सा एक्सपेंडिचर करती है, ध्यान से सुनिएगा। गवर्नमेंट क्या करती है? हमसे टैक्स के फॉर्म में रेवेन्यू कलेक्ट करती है। टैक्स के फॉर्म में जो रेवेन्यू गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया उसको गवर्नमेंट क्या करती है? रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या तो फिर बहुत सारी जो योजनाएं होती है उसमें खर्चा करती है। जैसे हमें मालूम है हमारे स्कूल लेवल पे क्या चलती है, मिड डे मील योजना चलती है, एक स्कीम है मिड डे मील। अभी उसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको लंच ब्रेक में क्या दिया जाता है? खाना दिया जाता है। वो खाने का जो खर्चा होता है वो गवर्नमेंट करता है। वो गवर्नमेंट का खर्चा जो है वो भी दोस्तों एक्सपेंडिचर मेथड में आएगा। इसके लिए एक्सपेंडिचर मेथड में जब हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे, तो पूरा की पूरा एक्सपेंडिचर, जो भी सोसाइटी में पूरा एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है उसको कैलकुलेट करेंगे। अभी हम देखेंगे इसके फॉर्मूला के साथ हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं।
अभी हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला से कैसे हम लोग नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से डिराइव कर सकते हैं। मैंने क्या आपको क्या बोला कि सिंपली हमें क्या करना है कि सोसाइटी में जितना भी एक्सपेंडिचर होता है, एक नेशन में जितना भी एक्सपेंडिचर होता है, वो सब हमें क्लब करना है। तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू बाय एक्सपेंडिचर मेथड सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। अब एक एक का क्या कर देते हैं, डिटेल में मतलब जान लेते हैं। अब सी क्या होता है दोस्तों, सी का मतलब है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब प्राइवेट का मतलब क्या है, प्राइवेट का मतलब है जो एक्सपेंडिचर क्या करता है, हाउस होल्ड करता है या तो फिर फर्म करता है, मतलब बिजनेसेस नहीं करते, हाउस होल्ड जो भी एक्सपेंडिचर करता है वो प्राइवेट है। फाइनल का मतलब है कि हमें इंटरमीडिएट गुड्स का जो एक्सपेंडिचर है वो इग्नोर करना है और फाइनल गुड्स का एक्सपेंडिचर लेना है। क्यों फाइनल गुड्स का एक्सपेंडिचर लेना है, क्योंकि जब हम फाइनल गुड्स की प्राइस पे करते हैं तो उसमें इंटरमीडिएट गुड्स की प्राइस भी क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। तो इसके लिए सिर्फ हमें फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना है, मतलब जो चीजें हम लोग क्या करते हैं अल्टीमेटली कंज्यूम करने वाला है, एक हाउस होल्ड अल्टीमेट क्या कंज्यूम करने वाला है उस पे जो भी वो एक्सपेंडिचर करता है वो हमें क्या लेना है, सी में लेना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब एक हाउस होल्ड किस किस चीजों पे एक्सपेंडिचर करता है, तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जैसे नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या हो गए, फूड्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गया, इन नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे वो क्या करता है, एक्सपेंडिचर करता है। फिर ड्यूरेबल गुड्स पे एक्सपेंडिचर करता है। अब ड्यूरेबल गुड्स कौन कौन से, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, चेयर्स है, टेबल्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो क्या करते हैं ज्यादा देर तक टिकते हैं, ऐसे गुड्स पे भी वो क्या करता है एक्सपेंडिचर करता है। सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करता है। सर्विसेज कौन कौन से हो गए, एजुकेशनल सर्विसेज हो गया, फिर डॉक्टर की सर्विस हो गई, ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गए, इन सब पे वो एक्सपेंडिचर करता है। तो एक कंज्यूमर अल्टीमेटली जो भी एक्सपेंडिचर कर रहा है वो हमें क्या करना है, क्लब करना है सी हेड के अंदर। अब आई हेड क्या बोलता है हमें, आई बोलता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है एक्सपेंडिचर, मतलब क्या, एक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, मतलब जिसे हम फाइनली कंज्यूम करने वाले हैं, और कोई एक ऐसा भी एक्सपेंडिचर हो सकता है जिससे मेरी एक इन्वेस्टमेंट बन सकती है। अब ऐसा कौन सा एक्सपेंडिचर है, समझो मैंने क्या किया, एक बिजनेसमैन हूं मैं और मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया। प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया तो मेरा एक्सपेंडिचर हो गया, बट वो प्लांट एंड मशीनरी मेरी असेट है, मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं वो मेरे बिजनेस में क्या कर लूंगा, यूज कर लूंगा। तो इसके लिए जो भी डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, एक बिजनेसमैन एक फर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं उसे हमें किधर करना है, आई हेड में कंसिडर करना है, क्योंकि एक्सपेंडिचर होता है सिर्फ कंजम्पशन बेस्ड ही नहीं होता है, वो इन्वेस्टमेंट में भी रिजल्ट करता है। अब ऐसा कौन कौन सा एक्सपेंडिचर हो सकता है, तो रिन्यूअल रिप्लेसमेंट ऑफ द कैपिटल असेट, मतलब क्या कि मैंने नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, या तो फिर मेरे पास जो प्लांट एंड मशीनरी थी उसका मैंने रिन्यूअल कर दिया, या तो फिर उसको रिप्लेस कर दिया, इसमें कुछ तो बिगाड़ था वो मैंने सही कर दिया। तो ये सब चीजें किस में आती है दोस्तों, आय में आती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो रिजल्ट करता है इन्वेस्टमेंट में। अब जी क्या होता है दोस्तों, जी होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब हमने क्या किया, प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग कर दिया, मतलब प्राइवेट कंजम्पशन सी में ले लिया और आय में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ले लिया। बट गवर्नमेंट क्या करती है, दोनों तरीके के एक्सपेंडिचर करती है, मतलब एक तो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करती है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। अब कैसे कैसे करती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती है, गवर्नमेंट क्या करती है उन स्कीम्स के जरिए लोगों तक पैसा पहुंचाती है, जैसे कि मिड डे मील हो गया, ये स्कीम्स के जरिए क्या करती है कि ये स्टूडेंट्स को खाना देती है, या तो फिर मनरेगा हो गया, या तो फिर आपको मालूम है उज्ज्वला योजना है जो गैस सब्सिडी की है, तो उससे क्या करती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है गैस सब्सिडी के लिए, मतलब वो पूरी अमाउंट किसको देती है, गैस कंपनी को, और कंज्यूमर को उसको कम दाम में बेचने को लगाती है। ऐसे होते हैं उसके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस में होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, लॉ ऑर्डर में। अब एडमिनिस्ट्रेशन लगता है हमें मालूम है, सब क्लास वन ऑफिसर्स होते हैं, क्लास टू ऑफिसर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए देश को उनको सैलरी देनी पड़ती है, वो एक्सपेंडिचर हो गया। लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस का एक्सपेंडिचर हो गया, हमारे सीमाएं सुरक्षित करने के लिए जो हमारे सैनिकों का बड़ा योगदान है उनके लिए ये क्या करती है एक्सपेंडिचर करती है, उनको सैलरीज देती है, पेंशन देती है। लॉ एंड ऑर्डर मतलब पुलिस फोर्सेस को भी क्या करती है ये सैलरीज देते हैं। इन सब में क्या होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब क्या कि गवर्नमेंट क्या करती है रोड्स बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज बनाती है, पोर्ट्स बनाती है, या तो फिर एयरपोर्ट्स बनाती है, रेलवेज, ब्रिजेस, ये सब क्या करती है इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये क्या करते हैं एक से ज्यादा साल के लिए ये टिके हुए रहते हैं, ये ज्यादा साल तक ज्यादा देर तक पब्लिक यूज कर सकती है, इसके लिए इसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट दो तरह के एक्सपेंडिचर करती है, एक कंजम्पशन, एक इन्वेस्टमेंट। ये हो गया जी में आ गया। अब एक्स माइनस एम हमें मालूम है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, मतलब जितना इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है माइनस जितना इंडिया में इम्पोर्ट हुआ है वो भी हम लोग क्या कर लेंगे नेशनल इनकम में ऐड कर लेंगे। और लास्ट है आर माइनस पी। आर माइनस पी मतलब क्या होता है, तो रिसीट माइनस पेमेंट। अब
कोई फॉरेनर हमारे कंट्री में आया, उसने क्या किया, हमारे इधर खर्चा किया तो वो हमें रिसीट हो गई, हम गए फॉरेन कंट्री में, हमने पेमेंट किया उधर, हमने उधर एक्सपेंडिचर किया तो वो हमारा पेमेंट हो गया। तो ये आर माइनस पी में जितना नेट इनफ्लो या नेट आउटफ्लो इंडिया में आया है फॉरेन करेंसी का या सिर्फ इंडिया से गया है रुपीज का, उसे हम क्या करते हैं नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। तो सिंपली आपको इतना ध्यान में रखना है, सी मतलब क्या कि हम लोग जो कंजम्पशन करते हैं, आई मतलब क्या कि एक प्राइवेट हाउस होल्ड क्या करता है इन्वेस्टमेंट करता है, जी में दोनों आ गया गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी, एक्स माइनस एम मतलब इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट और आर माइनस पी मतलब रिसीट माइनस पेमेंट। तो नेशनल इनकम का एक सिंपल फॉर्मूला हमने एक्सपेंस मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से, आउटले मेथड से डिराइव कर लिया। हम देखते हैं कि हम इसके बाद क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम डिराइव करने का। अब हम देखते हैं कि हमें प्रिकॉशंस कौन कौन से लेने हैं अगर हमें एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। तो पहला प्रिकॉशन लेना है हमें एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स शुड बी इग्नोर्ड। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमें क्या करना है, फाइनल गुड्स का एक्सपेंडिचर लेना है, क्योंकि फाइनल गुड्स में सभी इंटरमीडिएट गुड्स की क्या होती है, प्राइस इंक्लूडेड होती है। तो इसके लिए पहली चीज़ क्या है कि इंटरमीडिएट गुड्स का जो एक्सपेंडिचर होता है वो इग्नोर कर देना है। दूसरा है रीपर्चेस ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इग्नोर्ड। अब सेकंड हैंड गुड्स का रीपर्चेस जब हम करते हैं तो उससे भी एक्सपेंडिचर होता है, मतलब हम पैसे देते हैं और हमें सेकंड हैंड गुड्स मिलती है, वो भी हमें क्यों इग्नोर करना है दोस्तों, कि उससे क्यों क्या नहीं होता है कि रियल आउटफ्लो मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता है। जब वो गुड्स पहली बार प्रोड्यूस की होगी तब वो उस साल की नेशनल इनकम में कैलकुलेट की होगी, अब वापस से उसको कैलकुलेट करना मतलब ये क्या हो गया, डबल काउंटिंग हो गया। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, रीपर्चेस ऑफ सेकंड हैंड गुड्स को भी इग्नोर कर देते हैं। फिर है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स को भी इग्नोर। अब ट्रांसफर पेमेंट्स कौन कौन से होते हैं, स्कॉलरशिप होती है, डोनेशंस होते हैं या तो फिर पेंशन होते हैं। मतलब क्या होता है, एक आदमी को पहले इनकम होती है, रियल इनकम होती है, वो क्या करता है सिर्फ दूसरे आदमी को वो क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है और वो दूसरे आदमी के भी वो इनकम बन जाती है। अब ये क्या हो जाता है, अगर हमने दोनों दोनों साइड क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। इसके लिए ट्रांसफर पेमेंट भी इग्नोर कर देना है। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल असेट्स इग्नोर। अब ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फाइनेंशियल असेट्स क्या होता है, फाइनेंशियल असेट्स होते हैं शेयर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब ऐसी असेट जो हमें क्या करती है, दिखती है बट उसका हम यूज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कंजम्पशन के लिए नहीं कर सकते। मतलब शेयर्स को हम कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो हमारी असेट है, इन्वेस्टमेंट है बट उसे हम कंज्यूम कर सकते हैं नहीं कर सकते। एफडी है, एफडी को हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं क्या नहीं कंज्यूम कर सकते। तो ऐसी फाइनेंशियल असेट्स को हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। मतलब मैंने कुछ एक्सपेंडिचर किया, मतलब मैंने पैसे दिए और शेयर खरीदी कर दिए, तो उसे मुझे इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, रियल आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता है, मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में ये रिजल्ट नहीं करता है। मतलब कुछ गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हुआ क्या, अगर मैंने क्या किया, शेयर्स परचेस किए कोई एक्स वाई जेड कंपनी के, रिलायंस कंपनी के, उससे क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज में कुछ अदला बदली हुई क्या, या तो फिर फ्लो हुआ क्या कुछ मेरे तरफ से रिलायंस को या रिलायंस की तरफ से मुझे, तो कुछ नहीं हुआ। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन फाइनेंशियल असेट्स पे जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसे हम टोटली इग्नोर कर देते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस टू बी डिडक्टेड। इनडायरेक्ट टैक्सेस का इसके पहले मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट का इनकम होता है, इसके लिए उसे हम गवर्नमेंट की इनकम में सेपरेटली ऐड करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में, मतलब गुड्स की प्राइस से ऊपर से इनडायरेक्ट टैक्स लग के आ रहा है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो सेम इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट के इंक्लूड में पहले इंक्लूड हो चुका है, इनकम में इंक्लूड हो चुका है। अब सब्सिडीज टू बी एडेड। सब्सिडी क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, परफेक्ट प्राइस निकालनी है, रियल प्राइस निकालनी है, मार्केट प्राइस निकालनी है। सब्सिडी की वजह से क्या होता है, गुड्स की प्राइस कम हो जाती है। इसके लिए अगर हमें रियल प्राइस उस गुड्स एंड सर्विसेज की निकालनी है, कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हमारे इकोनॉमी में, तो हमें सब्सिडीज को भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये सब प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ते हैं अगर हमें एक्सपेंडिचर मेथड से क्या करना है, इनकम कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। तो अभी एक्सपेंडिचर मेथड क्या है दोस्तों, एक्सपेंडिचर मेथड बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड है, क्योंकि इसमें क्या लगता है, बहुत तरीके का डेटा लगता है, मतलब किसका कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, या तो फिर गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कंजम्पशन में एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स मेथड है दोस्तों, ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में यूज होती है, मतलब यूके, यूएसए, ऐसी जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड को क्या कर सकती है, यूज कर सकती है, क्योंकि इनके इधर इतना डेटा कैपेबिलिटी है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, सभी का इनकम एक्सपेंडिचर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडिया में क्या होता है दोस्तों, आउटपुट और इनकम मेथड से क्या होती है, नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है, क्योंकि इंडिया में क्या है, बहुत सारा प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनका हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से तो उनका रिकॉर्ड रहता नहीं है, तो इसके लिए हम लोग वो मेथड यूज नहीं कर सकते, उधर आउटपुट मेथड यूज होती है और इनकम मेथड सर्विस इंडस्ट्री में इनकम मेथड यूज होती है। तो ये थे दोस्तों हमारे तीन मेथड्स थे जिससे हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते थे। थैंक यू सो मच।